हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SLASHROOTDOTIN। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं जियो फाई को कैसे यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, जियो फाई डिवाइस के अंदर कैसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने अपने जियो फाई डिवाइस से लॉगिन कर रखा है। ये मेरा JioFi4 कनेक्टेड। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले क्या देख रखना, मुझे आईपी एड्रेस देखनी होगी कि मुझे आईपी एड्रेस क्या मिला। तो विंडोज़ का रन पैनल खोलिए, उसमें सीएमडी टाइप कीजिए, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसमें आईपी कॉन्फ़िग टाइप कीजिए आप, तो आपको एक आईपी एड्रेस दिखेगा। ठीक है, तो अब ये नीचे में देखते हैं, ये है आईपी एड्रेस, ये ऑप्शन आपको देखना है। तो अब चलते हैं हम इसके, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो होता है राउटर का आईपी एड्रेस। तो आपका जो वाईफाई राउटर, वाईफाई का जो हॉटस्पॉट डिवाइस है JioFi का, उसकी आईपी एड्रेस क्या होगी, 192.168.225.1। अब इसी आईपी के थ्रू हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट आईपी बोलते हैं या गेटवे आईपी बोलते हैं। तो मैं खोल लेता हूँ अपना ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, और इसके अंदर टाइप करते हैं 192.168.225.1। ठीक है, यह वो आईपी है जो गेटवे आईपी है, और इंटर मारते हैं। इंटर मारते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो जो कनेक्टेड है, ये कौन डिवाइस कनेक्टेड है, इतना सब। लेकिन आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो पैनल है ये व्यू पैनल है, कंट्रोल पैनल नहीं है, लॉगिन पैनल है। लॉगिन पैनल में जाने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड होता है ओबी एडमिनिस्ट्रेटर। यानी बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है, JioFi डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर है। क्लिक कीजिए लॉगिन, आप लॉगिन हो गए। अब आप JioFi डिवाइस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये लिंक से भी आप जा सकते हो JioFi.local.html, या फिर आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस से जाओ जिसे मैंने बताया था। ये देखो स्टेटस में आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अब इसमें कनेक्शन और स्टेटस के जगह पे आपको एक सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने वाईफाई डिवाइस को। जैसे कि मेरा वाईफाई डिवाइस है, अभी मेरे वाईफाई डिवाइस का नाम क्या है, SSID यानी ये दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे JioFi, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको चेंज कर कुछ भी कर सकता हूँ, आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज में क्या है, अगर मैं कोई लोकल स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, SD कार्ड भी लगा सकता हूँ अपने JioFi डिवाइस के साथ, तो वो ऑप्शन मुझे देगा। या मैं वाईफाई पे स्टोरेज कर सकता हूँ, वाईफाई पे जहाँ भी कनेक्शन है सब शेयर हो। दूसरा, यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आता है हमारा, अगर हम चाहें तो पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्ड मतलब हम किसी खास पोर्ट पे, 80 पोर्ट पे कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये है हमारा यूजर नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये रखने से प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी आपके सिस्टम में अटैक कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, आपके वाईफाई डिवाइस एक बार जो कनेक्ट हो गया और आपको सिस्टम को हैक या डाउन कर सकता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। ठीक है, कंफर्म कर दिया मैंने, और फिर मैं क्या करता हूँ, अपडेट यहाँ से। पर अब पासवर्ड मैच नहीं किया, तो फिर से पासवर्ड मैच कर डालता हूँ मैं। ठीक है, और मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ ताकि मुझे बाद में मदद करे, और अपडेट कर देता हूँ। जो पासवर्ड डिड नॉट मैच, यहाँ पर पुराना पासवर्ड डालना है, इसके बाद नया पासवर्ड, वापस नए पासवर्ड।
तो नीचे दो बार नया पासवर्ड, उसके बाद अपडेट, ठीक है। द पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, आपने देख रहे ऊपर में, ओके, ठीक है। सेव करना सेव कर दो, नहीं सेव करना नहीं, नहीं सेव करो, हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया। तो अब हम लोग लॉगिन करेंगे, जब तो हमें नए यूजर नेम देने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, लिनक्स तिवारी, ठीक है। और पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक। अब देखो मैं सेटिंग में आ गया, यहाँ पर नेटवर्क। अब मैं नेटवर्क का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ये वाईफाई का जो नाम है ये JioFi4 आ रहा है कुछ समथिंग, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ कुछ भी मान लो, SLASHROOTDOTIN, मैं इसको SLASHROOTDOTIN कर देता हूँ, ठीक। और मैं कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करने वाला। और ये वाईफाई का पासवर्ड है, ये भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आप देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने फिलहाल इसका पासवर्ड चेंज कर दिया, linustiwari.com, ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, वाईफाई राउटर का नहीं। अप्लाई कर दिया, ओके। ये करते हैं हम डिसकनेक्ट हो जाएंगे, एक बार होगा। अब मैं वापस जाता हूँ, ये देखो वाईफाई से ये जियो का नेटवर्क हट गया। अब हम वेट करेंगे हॉटस्पॉट का ऑन होने का, रिबूट होने के बाद, और उसका नेटवर्क शो करेगा नेक्स्ट अलग नाम से। एक बार मैं यहाँ पर वाईफाई डिवाइस ऑफ कर देता हूँ, वापस ऑन कर देता हूँ, और वेट करते हैं। ये देखिए SLASHROOTDOTIN नाम से अभी एक कैच कर रहा है। अब मैं SLASHROOTDOTIN पर जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो ये पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड दिया था linuxtiwari.com, देख लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी SLASHROOTDOTIN कनेक्टेड, तो अब देख लेते हैं, साइट खुल रही नहीं हमारी, बिल्कुल खुल रही है, ठीक है। तो आप चाहो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर ही। जियो में और डिटेल में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका सारा इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगा नए वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।